राजनीति और ब्यूरोक्रेसी दोनों में हड़कंप मच जाएगा। एक महिला जो राजनीति में सक्रिय रही है, उसने एक सीनियर आईएएस अफसर और महागठबंधन की एक सत्तारूढ़ पार्टी के एक पूर्व विधायक की डीएनए जांच कराने की याचिका पटना हाईकोर्ट में लगाई है, जिससे ये पता चल सके कि उसके 4 साल के बच्चे का बाप कौन है। महिला ने आरोप लगाया है कि दोनों ने उसके साथ लंबे समय तक रेप किया है, जिससे ये बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन दोनों ने इसे अपनाने से इनकार कर दिया है। इसलिए कोर्ट ये तय करने के लिए कि बच्चे का बाप कौन है, दोनों की डीएनए जांच कराने का आदेश दे। बच्चे की मां की ओर से अधिवक्ता रंजन कुमार शर्मा ने हाईकोर्ट में आपराधिक रिट याचिका दायर की है। अर्जी में बच्चे के पिता के बारे में जांच कराने का निर्देश देने की मांग कोर्ट से की गई। अर्जी में कहा गया है कि राज्य महिला आयोग का सदस्य बनाने का झांसा देकर महिला के साथ पूर्व विधायक ने बलात्कार किया। बाद में पूर्व विधायक के साथ एक आईएएस अधिकारी ने भी उसका रेप किया। महिला ने आरोप लगाया है कि रेप का वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ बार बार संबंध बनाया गया। इससे महिला गर्भवती हो गई और एक बच्चे को जन्म दिया। महिला ने अर्जी में कहा है कि बच्चे का पिता होने से जहां पूर्व विधायक ने पल्ला झाड़ लिया, वहीं आईएएस अधिकारी ने उससे बात करना ही बंद कर दिया। लिव हिंदुस्तान के पास आईएएस अधिकारी और पूर्व विधायक का नाम है, लेकिन उसे फिलहाल जाहिर नहीं किया जा रहा है। हाईकोर्ट अगर इस मामले का संज्ञान लेकर नोटिस जारी करता है तो खबर में उस स्टेज पर आरोपियों